तो आज हम एक नया सिस्टम लेके आ गए हैं, यूरिनरी सिस्टम। इसके बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिनका स्टडी आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लास्ट वीडियोस में जो बैडली सिस्टम था उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं पूरी, और अब स्टार्ट करते हैं ये यूरिनरी सिस्टम। फर्स्ट वन, इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन आता है वो आता है इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, जिसको IVP भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम होता है इंट्रावेनस यूरोग्राफी, जिसे IVU भी बोला जाता है। एक्सक्रेटरी यूरोग्राफी भी बोला जाता है इसको, शॉर्ट फॉर्म में EU भी बोला जाता है। मेनली ये जो किडनी, यूरेटर और ब्लेडर में किसी भी टाइप की पैथोलॉजी का फाइंड आउट लगाने के लिए ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाता है। नेक्स्ट आता है रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी। अगर जो रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी है उसको RGP भी बोला जाता है, और ये मेनली जब IVP है वो फेल हो जाता है, जब वो जो किडनी यूरेटर ब्लेडर उसको डेमोन्स्ट्रेट करने में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तब RGP है वो करते हैं। एंटीग्रेट पाइलोग्राफी क्या होता है, जब इसको शॉर्ट फॉर्म में AGP बोला जाता है, जब RGP है वो फेल हो जाता है उस कंडीशन में जो ये एंटीग्रेट पाइलोग्राफी है वो किया जाता है। नेक्स्ट आता है मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी, नाम से ही पता चल रहा है, इसका शॉर्ट फॉर्म तो MCU होता है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को मिक्चुरेट कराते हुए फिर जो यूरेथ्रा उसकी फिल्म ली जाती है, यानी कि जो पेशेंट होता है उसको पेशाब कराते हुए फिल्म ली जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी, इसको शॉर्ट फॉर्म में RGU बोला जाता है, और ये मेनली जो यूरेथ्रा होता है उसमें किसी भी टाइप की डिफॉर्मिटी ETC को फाइंड आउट लगाने के लिए ये जो RGU है वो किया जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।